subscribe to our channel and tap the bell notification icon to never miss a tech video from Geeky Show. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं डेल के एक नए लैपटॉप की अनबॉक्सिंग और रिव्यू। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं Geeky Show चैनल को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको इसका मॉडल नंबर दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो डेल इंस्पिरॉन 3593 इसका मॉडल नंबर है। ये लैपटॉप जो है आप देख सकते हो इसकी MRP है 40,000 रुपीज़। ऑनलाइन आपको ये 39,000 रुपीज़ के आसपास मिल जाता है। अगर सेल में मिलता है तो आपको और सस्ते में मिल सकता है, तो वेट कर लीजिएगा। अगर लेना है तो नीचे लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर चेकआउट भी कर लीजिएगा कि क्या प्राइसिंग इस समय चल रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस लैपटॉप के अनबॉक्सिंग की। तो जल्दी से हम इस बॉक्स को कर लेते हैं ओपन और मैं आपको दिखा देता हूं कि बॉक्स में अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स भी आपको देखने को मिलते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले आपको लैपटॉप देखने को मिल जाता है। देख सकते हो सिल्वर कलर में है, काफ़ी शाइनी है। इसको रख देते हैं साइड में, इसको बाद में देखेंगे। पहले आपको बॉक्स में और क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं वो दिखा देता हूँ। बॉक्स में और कुछ खास है नहीं, आप यहाँ देख सकते हो वारंटी कार्ड मिल जाता है और बॉक्स में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स, यूज़र गाइड और वारंटी कार्ड ये सब मिल जाता है। इंस्पिरॉन 15 3000 सीरीज़ का ये लैपटॉप है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। इंस्पिरॉन 3593 इसका मॉडल नंबर है और ये आपको सेफ्टी एंड रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। तो इनको रख देते हैं साइड में। और इस साइड में आप यहाँ आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाता है चार्जर। ये जो चार्जिंग का अडैप्टर है ये आपको 42 वॉट आवर का अडैप्टर मिल जाता है, जो कि आपके लैपटॉप को आराम से 2 घंटे 2.5 घंटे में फुल चार्ज कर सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा वायर है और आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं और हल्का है, छोटा अडैप्टर आपको देखने को मिलता है, तो कैरी करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो। ये आपको वायर देखने को मिल जाता है, इसकी भी जो लेंथ है वो काफ़ी सही है, तो इसको भी आपको यूज़ करने में आसानी रहेगा। तो कुल मिला जुला के जो चार्जर का लेंथ है वो काफ़ी अच्छा है, तो आपको आसानी रहेगा यूज़ करने में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉक्स के अंदर और कुछ भी नहीं है, तो बॉक्स को किनारे रख देते हैं और लैपटॉप को लेके आते हैं सामने। तो दोस्तों ये रहा लैपटॉप, इसको निकाल लेते हैं स्लिट से बाहर। और दोस्तों जैसे ही इस फोम स्लिट से इसको आप बाहर निकालते हैं, मतलब वाओ दोस्तों, जो इसका लुक है ना, ये जो सिल्वर मैट फिनिश आपको देखने को मिलती है बहुत ही सुंदर है। डेल का जो लोगो है, शाइनी लोगो आपको देखने को मिलता है, जो काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने से। और अब बात कर लेते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू की। अब अगर बात करें फिजिकल फीचर्स की, तो आप इस साइड में देख सकते हैं कि आपको 2 USB 3.1 के पोर्ट्स मिल जाते हैं। उसके बाद आपको HDMI का पोर्ट मिल जाता है, ये आपको चार्जिंग पोर्ट मिलता है आपके लैपटॉप को चार्ज करने के लिए। इथरनेट पोर्ट देखने को मिल जाता है, हेडफोन जैक पोर्ट देखने को मिल जाता है, हेडफोन लगा के गाने सुनिए, मूवीज़ देखिए। उसके बाद आ जाते हैं पीछे के साइड में, यहाँ पर आप देख सकते हो एयर वेंट्स दिए हुए हैं एयर फ्लो के लिए, इंस्पिरॉन का लोगो दिया हुआ है, रबर पैड्स दिए हुए हैं। ऊपर में आप देख सकते हैं दोनों साइड में आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं वॉल्यूम आउट के लिए। और स्पीकर्स की क्वालिटी अगर मैं बताऊं तो कुछ खासा नहीं है। और अगर आप किसी ऐसे सरफेस पर रख देते हैं जैसे बेड वगैरह है, तो वहाँ पे आपको स्पीकर की आवाज़ सुनने को नहीं मिलती है। एक और USB पोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है और कार्ड रीडर पोर्ट आपको इधर देखने को मिल जाता है दूसरे साइड की अगर बात करें तो। अब हम इस लैपटॉप को ओपन करते हैं और आपको इसका डिस्प्ले दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं इसका माउस पैड और कीबोर्ड, ताकि आपको आइडिया लगे कि ये कैसा है। इसके फिजिकल ओवरव्यू में अगर फिजिकली देखा जाए तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस फोम की कोटिंग को हटा देते हैं साइड में और देख लेते हैं जो इसका फिनिश है। प्लास्टिक बिल्ड का जो फिनिश है वो मैट फिनिश है, आप यहाँ देख सकते हो। इधर के साइड में आपको स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं, कोर i3 इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है। i3 10th जनरेशन का लैपटॉप है। मैं इसके फीचर्स आपको, सॉफ्टवेयर फीचर्स आपको बाद में बताऊंगा आगे वीडियो में। ये आपको एक एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, ऊपर आप देख सकते हो वेबकैम देखने को मिल जाता है। और जो डिस्प्ले है वो एंटी ग्लेयर है, तो एंटी ग्लेयर डिस्प्ले होने का फायदा ये है कि अगर आप ब्राइट लाइट सनलाइट में भी अगर आप काम करें तो आपको आराम से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पावर बटन आपको देखने को मिल जाता है। और कीबोर्ड की बात करें तो काफ़ी टेक्टाइल कीज़ हैं और ज़्यादा आवाज़ नहीं करती, तो अगर आप रात रात में अगर आराम से काम करना चाहते हो तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। कुछ खासा साउंड नहीं है इसके अंदर और कीज़ बहुत रिस्पॉन्सिव, बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करती हैं टाइपिंग की अगर बात करें तो। यहाँ पे आप देख सकते हो सामने आपको डेल का लोगो देखने को मिल जाता है। और ये जो डिस्प्ले है ना, ये फुल HD डिस्प्ले आपको मिलती है 1920x1080p के रिजोल्यूशन के साथ, तो ये एक अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाता है। बेजल्स इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन भाई बहुत हाई लेवल का लैपटॉप है नहीं, तो बेजल्स तो देखने को मिलेंगे ही। पावर बटन से इसको हम कर सकते हैं ऑन, तो इसको हमने ऑन कर दिया है और इसको बूट होने देते हैं और देखते हैं कितना जल्दी ये बूट हो जाता है। i3 10th जनरेशन का आपको ये लैपटॉप देखने को मिलता है। आउट ऑफ द बॉक्स 4GB रैम देखने को मिलता है, लेकिन मैंने इसमें 4GB बढ़वा दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माउस पैड मुझे काफ़ी सुंदर लगा अगर देखने की बात करें तो, और काफ़ी
यूजबल है, मतलब काफ़ी अच्छा है, यूज़ करने लायक है और काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। अगर बात करें इसके बॉडी की तो बॉडी फिनिश भी है, वो मैट फिनिश है, काफ़ी सुंदर लगता है। वेट की अगर बात करें तो 2 kg का ये लैपटॉप आपको देखने को मिल जाता है। लैपटॉप हमारा लगभग बूट हो चुका है, तो इसको बूट होने के बाद मैं आपको माई कंप्यूटर में जाकर आपको इसके सारे डिटेल्स दिखा देता हूँ। तो लैपटॉप हमारा बूट हो चुका है, आप देख सकते हो। डिस्प्ले आप देख सकते हो कि किसी भी एंगल पे अच्छा देखने को लगता है, डिस्प्ले काफ़ी सुंदर है। किसी भी एंगल पे अगर आप इसे देखेंगे तो आप आराम से इसे देख पाएंगे, बहुत ही विजिबल रहता है। और एंटी ग्लेयर डिस्प्लेज मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि ग्लेयर वाले डिस्प्लेज में प्रॉब्लम आती है कि उसमें आपको आपकी परछाई दिखाई देती है, आप परेशान हो जाते हो। अब आ जाते हैं माई कंप्यूटर में, और माई कंप्यूटर में जाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या आपको स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाती हैं। हार्डवेयर की बात करें या सॉफ्टवेयर की बात करें, क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो अगर बात करें इसमें क्या क्या है, तो 4 GB रैम है जो कि मैंने बढ़वा दिया है, 8 GB रैम इसमें करवा दिया है। i3 10th generation का आपको इंटेल का कोर प्रोसेसर मिल जाता है, 15.6 inch की आप डिस्प्ले देख ही सकते हो। 1 TB की इसमें मैंने HDD रखवाई है, और इंटेल का इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आपको देखने को मिलता है इसमें। विंडोज 10 होम देखने को मिलता है इसमें, आपको मैक एफी और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 15 मंथ्स के लिए एकदम फ्री मिलता है, एकदम आराम से उसको आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काफी स्लीक डिजाइन है इस लैपटॉप का, और मुझे ये लैपटॉप फर्स्ट इंप्रेशंस में काफी ज्यादा पसंद आया, अगर मैं अपने एक ओपिनियन की बात करूं तो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, क्या ये लैपटॉप आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर आप ऑफिस वर्क करते हो, नॉर्मल स्टूडेंट हो, स्टूडेंट लाइफ में हो, बीटेक कर रहे हो, कॉलेज कर रहे हो, तो आप आराम से इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो। ऑफिस वर्क और कॉलेज पढ़ाई वढ़ाई वर्क के लिए काफ़ी सही है। एडिटिंग वगैरह अगर आप करना चाहते हो इस पर, किसी प्रकार की फोटोशॉप वगैरह, तो हो जाएगा, लेकिन उतना फ्लुएंट नहीं होगा। उसके लिए कम से कम आपको 16 GB का रैम होना चाहिए या थोड़ा बहुत ग्राफिक्स होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ लैपटॉप की, तो मुझे ये लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। 40,000 rupees में ये लैपटॉप मुझे पड़ा है, बैग के साथ, 8 GB मेमोरी के साथ, यानी मैंने 4 GB मेमोरी इसमें बढ़वाई, फिर बैग भी लिया, तो इस ये लैपटॉप मुझे 40,500 rupees का पड़ा है ऑफलाइन मार्केट से। अमेज़ॉन पे ये लैपटॉप आपको देखने को मिल जाता है 39,000 rupees में। प्राइजेस जो हैं वो अप डाउन हो सकती हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, किस हिसाब से मिलता है, किस हिसाब से नहीं मिलता है। अदरवाइज़ ये एक वर्थ बाय लैपटॉप है, मैं इसको यूज़ किया हूँ और उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे ये खुल जाता है, लगभग 115-116 degrees का आपको इस पे एंगल मिलता है लैपटॉप के डिस्प्ले का खुलने का। एकदम सीधा मत कर दीजिएगा, टूट सकता है इसका फ्लैप। अदरवाइज़ देखने के लिए ये बहुत ही सुंदर है, देखने के लिए भी सुंदर है, यूज़ में भी सुंदर है, और मुझे ये लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा पसंद आया 40,000 rupees में। ये एक वर्थ बाय लैपटॉप आपको है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आप कॉलेज लाइफ में हो तो अगर आप लैपटॉप चाहिए तो आप इसको चूज़ कर सकते हो, अगर आप ऑफिस वर्क में हो तो आप इस लैपटॉप को चूज़ कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लैपटॉप ये आपको देखने को मिलता है 40,000 rupees के अंडर में। अगर बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की, क्या प्राइसिंग जस्टिफाइड है, बिल्कुल 40,000 rupees में आपको एक डिसेंट लैपटॉप देखने को मिलता है, और ये एक वर्थ वाइज लैपटॉप है, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी, मुझे नहीं देखने को मिली है। अगर बात कर लेते हैं ये लैपटॉप आपको मिलेगा कहाँ, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ऑफलाइन मार्केट से आप जाके ले सकते हो। मैंने आपको बताया 40,500 में मुझे बैग भी मिला, डेल का ओरिजिनल, और मैंने 4 GB रैम बढ़वा भी दिया, कुल मिला जुला करके मुझे 40,500 का पड़ा। ऑनलाइन मार्केट में थोड़ा महंगा भी पड़ सकता है, कभी कभी सस्ता ही पड़ सकता है, तो वो आप आराम से अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऑफलाइन से लीजिए अगर आपको मिल जाता है तो, और ऑफलाइन ऑनलाइन कंपेयर कर लीजिए, जहाँ से आपको सस्ता पड़े वहीं से लीजिएगा। डेल इंस्पिरॉन 3593 मॉडल नंबर है, और 40,000 rupees में वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स जो मैंने आज तक यूज़ किया है वो ये आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, मन में कोई सवाल होगा, कुछ जाओ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।